नमस्कार दोस्तों, MPLRC 1959 अर्थात मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में आज के क्वेश्चन इस प्रकार है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 जलोढ़ तथा जलप्लावन, इसका शीर्षक है। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसको संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है? तो पहले ये देख लें किस किस को परिभाषित किया गया है। तो फलोद्यान, बकाया, सहकारी सोसाइटी, इन सबको डिफाइन किया गया है। जलोढ़ जो शब्द है इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसकी परिभाषा नहीं दी हुई है। अगला, जहाँ जलप्लावन द्वारा यानी जो जल अधिक हो जाता है यानी बाढ़ वगैरह जो आ जाती है उसके द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में कितने एरिया से अधिक की कमी हो जाती है, तो वहाँ ऐसे खाते के संबंध में देय जो भू राजस्व है उसे कम कर दिया जाएगा। कि यानी कि अब चूंकि आपकी ज़मीन जो है उसमें कमी आ गई, बाढ़ की वजह से कुछ ज़मीन कट गई है, इसलिए आपका जो भू राजस्व था यानी लैंड का जो रेवेन्यू आपसे वसूलना था वह कम किया जाएगा। तो किसी स्थिति में यदि आधे हेक्टेयर से अधिक की कमी आपके बाढ़ की वजह से आपकी ज़मीन में आ गई है, इसलिए। अगला, MPLRC के अध्याय 15 के अधीन निर्धारण करना तथा विवादों को विनिश्चित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो बी आंसर से उपखंड अधिकारी को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह निर्धारित करे कि आखिर किस ज़मीन को कितना नुकसान हुआ है। अब पढ़ेंगे हम अगला अध्याय 16, क्योंकि खातों की चकबंदी के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन, चकबंदी अधिकारी निम्न में से किस पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का राजस्व अधिकारी होता है? यानी कम से कम उसका पद कौन सा होता है? तो तहसीलदार कम से कम निचली श्रेणी में सबसे कम पद का तहसीलदार होगा, उससे ऊपर का कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है लेकिन तहसीलदार से नीचे का कोई नहीं होगा चकबंदी अधिकारी। अगला, निम्न में से कौन चकबंदी अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी ग्राम में खातों की चकबंदी छाद्य होने के बारे में जाँच करे? तो इस बात के लिए निर्देश जारी करेगा कलेक्टर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी सही है, इसमें बताया गया कि ए और बी दोनों ही सही हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। ए यह बताता है कि किसी ऐसे ट्रांसफर को यानी अंतरण को जिसमें खातों की चकबंदी की किसी स्कीम को एग्जीक्यूट अर्थात कार्यान्वित करना अंतर बन लेते हैं यानी उसे बताया गया है, तो उसका प्रभावान्वित करने के लिए कोई लिखित आवश्यक नहीं होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। और अगला, किसी भी ऐसी लिखत का यदि वह निष्पादित कर दी गई हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ऐसी कोई लिखत ही जरूरी नहीं है, और यदि लिखत बना ही गई दी गई है तो उसके रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगला अध्याय है अध्याय 17, जो कि ग्राम अधिकारी के बारे में बात करता है, यानी ग्राम में गाँव में कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इस हेतु से। चलिए, पहला क्वेश्चन, ग्राम पटेल की नियुक्ति तो कलेक्टर द्वारा की जाती है। MPLRC की धारा 222 के अधीन ग्राम के लिए पटेलों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो सेम आंसर है, बी कलेक्टर। दूसरा, अगला क्वेश्चन, किस धारा में पटेल के कर्तव्य विहित है? तो बी आंसर है, धारा 224 में। MPLRC के अंतर्गत नियुक्त पटेल जो है उसका कौन सा कर्तव्य इनमें से नहीं है? तो डी आंसर है, भू अभिलेख रखना, लैंड रिकॉर्ड रखना उसका काम नहीं है, बाकी सभी इसके कर्तव्य हैं। तो देख लें पटेल के कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो भू राजस्व तथा अन्य संबंधित करों तथा उपकरों को संग्रहित करना, उसको इकट्ठा करना सभी टैक्स को, अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना, और बंजर भूमि कोई है, लोकपथ है, कोई पब्लिक वे है या सड़कों पर अधिग्रहण है उसको रोकना भी इसका काम है, लेकिन भू अभिलेख रखना इसका काम नहीं। अगला, किसी पटेल को उसके पद से कौन हटा सकेगा? तो बी आंसर से, एक कलेक्टर उसे इस पद से हटा सकता है। अगला, एक ग्राम का पटेल संहिता की धारा 224 के अधीन सौंपे गए किसी कर्तव्य का पालन करने में यदि उपेक्षा करना पाया गया तो उसको दंडित कौन कर सकेगा? तो डी आंसर है, तहसीलदार उसे दंडित कर सकेगा। अगला, पटेल पर उसकी उपेक्षा के लिए जुर्माने की कितनी राशि अधिरोपित की जा सकेगी? तो जुर्माना सी आंसर सही है, 1000 रुपये तक का किया जा सकता है। अगला, जब कोई पटेल अस्थायी रूप से उसके कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो जाए तो कौन प्रतिस्थानी पटेल नियुक्त कर सकेगा? उसकी जगह पर दूसरा पटेल नियुक्त उपखंड अधिकारी कर सकेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, जब कोई पटेल अस्थायी रूप से उसके कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो जाए तो अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रतिस्थानी पटेल नियुक्त किया जा सकेगा? तो बी आंसर सही है, 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। अगला, MPLRC की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों को बंद करती है? तो कोटवारों की नियुक्ति धारा 230 में प्रावधानित है। अगला अध्याय है 18, जो कि आबादी तथा दखल रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार के बारे में बताता था। हमने स्टार्टिंग में देखा था परिभाषा 2A में, 2A परिभाषा आबादी के बारे में, आबादी क्या होती है यदि आपको याद हो, तो आबादी
एक ग्राम की यानी गांव के अंदर की कोई आरक्षित भूमि होती है, इसे समय समय पर आरक्षित किया जाता है। किस प्रयोजन के लिए? तो उस गांव के निवासियों के निवास के प्रयोजन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निस्तार पत्रक में निम्नलिखित भूमि का समावेश होगा? तो बी आंसर सही, समस्त दखल रहित भूमि का समावेश होगा। अगला, निस्तार पत्रक कौन तैयार करता है? तो निस्तार पत्रक तैयार करता है, सी आंसर है, उपखंड अधिकारी। अगला, निम्न में से कौन सा एक विषय जिसके लिए निस्तार पत्रक में उपबंध नहीं होता है, वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर की? तो बी आंसर सही, मछली पकड़ने का अधिकार, जो कि निवासी कोई भी गांव का निवासी वह अभिप्राप्त कर सकता है, ये उस निस्तार पत्रक में नहीं दिया होता। देखिए निस्तार पत्रक या निस्तार है क्या एक्चुअल में, आपको मोटे तौर पर बता दें कि गांव में जब व्यक्ति रहता है तो पशुओं को चराने के लिए चारागाह जो होते हैं इस प्रकार के, तो जंगल में कहाँ लेके जाएगा आखिर व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं लेके जाएगा। तो भाई ज़मीन जो किसी की नहीं है, ठीक है, तो सरकारी ज़मीन वो किसी के दखल रहते हैं, कहीं कोई उसका यूज़ नहीं है, तो भाई आप पशु चरा सकते हैं, वहाँ से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, गांव में चूल्हे जलाए जाते थे तो लकड़ी काटना वगैरह, इमारती लकड़ी है, कोई ईंधन है, तो इस प्रकार के जो है, या रेत मिट्टी वगैरह प्राप्त करना, तो ये सभी कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो जिस हिस्से से ज़मीन प्राप्त किए जाते हैं गाँव में, उस जगह को, ज़मीन को कहते हैं निस्तार। अब उस जो निस्तार है उसके बारे में जानकारी जिस कागज़ में रहती है, जिस दस्तावेज में रहती है, उसको कहते हैं निस्तार पत्रक। उसमें पूरा नक्शा बना होता है कि किस किस जगह की ज़मीन जो है इस गांव में, भाई निस्तार पत्रक में जो निस्तार के रूप में बताई गई है, ये निस्तार के लिए है। आगे, निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कतिपय प्रयोजनों के लिए दखल रहित भूमि को कौन पृथक रख सकेगा? तो बी आंसर सही, कलेक्टर रख सकेगा। अगला, निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए दखल रहित भूमि को निम्नलिखित किस प्रयोजन के लिए कलेक्टर पृथक रख सकेगा? तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। तो इसमें देख लें कौन कौन सा, इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित क्षेत्र, गौठान के लिए, या खाद के गड्ढों के लिए, तो ये सभी। अगला, निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए दखल रहित भूमि को निम्नलिखित किस प्रयोजन के लिए कलेक्टर पृथक रख सकेगा? सेम क्वेश्चन है, तो डी आंसर सही, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखें क्या क्या है इसमें, चारागाह, देखिए ये सारे ऑप्शन निस्तार में हैं, चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित क्षेत्र, कब्रिस्तान और शमशान भूमि के लिए आरक्षित क्षेत्र, और बाजार के लिए आरक्षित क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई व्यक्ति जो MPLRC की धारा 241 की उपधारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, या उनके उल्लंघन का अबैटमेंट करेगा यानी दुष्प्रेरण करेगा, तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकेगा? तो मैक्सिमम जुर्माना डी आंसर है, 50,000 रुपये का लगाया जा सकता है। अगला, ग्राम का वाजिब उल अर्ज संधारित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सी आंसर सही है, उपखंड अधिकारी द्वारा। अगला, MPLRC के अंतर्गत ग्राम का वाजिब उल अर्ज संधारित किसके द्वारा किया जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो सी आंसर है, उपखंड अधिकारी द्वारा। अगला, वाजिब उल अर्ज में ग्राम के किन अधिकारों का इंदराज रहता है? इंदराज मतलब एंट्री रहती है उसमें, ठीक है, तो इसमें ये सभी आंसर है, अर्थात केवल जो सिंचाई का, केवल नहीं, सिंचाई का अधिकार भी है, मार्ग का अधिकार भी है, और अन्य सुखाचार जो इजमेंट राइट्स हैं, सभी का उल्लेख यानी सभी की एंट्री उस डॉक्यूमेंट में रहती है, जिसको कहा जाता है वाजिब उल अर्ज। अगला, वाजिब उल अर्ज अभिलिखित नहीं करेगा, तो जैसे पीने के पानी का अधिकार के बारे में उसमें नहीं दिया होगा, उसमें बाकी सब दिए होंगे, अर्थात सिंचाई का अधिकार, मार्ग का अधिकार, अन्य इजमेंट राइट्स यानी सुखाचार, और मछली पकड़ने का अधिकार, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला, वाजिब उल अर्ज में क्या अभिलिखित नहीं किया जाता? तो सेम इसमें क्या जाएगा, डी आंसर है, कृषि पशुओं को चराने का अधिकार इसमें नहीं होगा। अगला, कोई व्यक्ति वाजिब उल अर्ज में की गई किसी प्रविष्टि यानी एंट्री से व्यथित होने पर, यानी असहमत है भाई और पीड़ित है, व्यथित होने पर सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में दावा संस्थित कर सकता है यानी शूट फाइल कर सकता है, तो ऐसी प्रविष्टि को निरस्त करने या उपांतरित करने यानी चेंज करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में? तो बी आंसर सही है, 1 वर्ष के अंदर अंदर। अगला, कौन आबादी क्षेत्र में पट्टे पर आबादी स्थलों का आवंटन करेगा? तो तहसीलदार आबादी स्थलों का आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अगला क्वेश्चन, MPLRC के अंतर्गत वाजिब उल अर्ज के प्रकाशन के लिए कितने समय के अंदर उसे सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो प्रकाशन जिस टाइम होगा उसके 1 वर्ष के अंदर उसे चुनौती दी जा सकती है। अगला, कोई भी व्यक्ति जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खान से या खदान से, जो माइंस रहती हैं, उनसे खनिजों को निकालेगा या हटाएगा,
तो वह ऐसी शास्ति अर्थात पेनल्टी का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गए या हटाए गए खनिजों के बाजार मूल्य जो होगा उसके कितने गुने के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी, तो मैक्सिमम 4 गुने तक की। अगला, अनधिकृत रूप से आधिपत्य लेने वाले व्यक्ति पर MPLRC की धारा 248 के अंतर्गत जुर्माना करने का अधिकार है, तो जुर्माना करने का अधिकार तहसीलदार को है, इसलिए आंसर ए। अगला, धारा 248 व धारा 250 MPLRC के तहत कार्रवाई करने हेतु कौन राजस्व अधिकारी अधिकृत है, तो ऑथोराइज जो रेवेन्यू ऑफिसर है वह है तहसीलदार राजस्व विभाग। अगला, MPLRC की धारा 249 के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसके विनियम, ये देखिए विनिमय होता है एक्सचेंज, ये विनियम यानी होता है रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नियम और विनियम, तो इसके लिए नियम बना सकेगी, ठीक है, तो इसके रेगुलेशन के लिए रूल्स बना सकेगी, तो उपरोक्त सभी अर्थात सरकारी तालाब में मछली पकड़ना, गाँव में जीव जंतु को पकड़ना, उनका शिकार जिसको आखेट कहते हैं वह शिकार होता है, शिकार करना या उनको गोली मारना, और राज्य सरकार की भूमियों से किन्हीं पदार्थों को हटाना, इसके लिए नियम बना सकेगी, कौन बना सकेगी, तो राज्य सरकार। अगला, यदि किसी भूमि स्वामी को भूमि से विधि के सम्यक अनुक्रम में बेकब्जा ना करके यानी लीगली उसको नहीं हटाया गया, इसके अलावा किसी तरीके यानी बलपूर्वक हटा दिया गया, तो कब्जा वापस दिलाने का आदेश कौन जारी करेगा, तो ये आंसर सही, तहसीलदार जारी करेगा। अगला, कोई भूमि स्वामी अपनी भूमि पर से गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया गया अर्थात इलीगली, तो भय इस MPLRC की धारा 250 के अंतर्गत कब्जे की पुनर्स्थापना के लिए किसके समक्ष आवेदन कर सकेगा, तो ये आंसर सही है, तहसीलदार के समक्ष आवेदन करेगा। अगला, जहाँ MPLRC की धारा 250 की उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहाँ विरोधी पक्षकार जुर्माने के लिए भी दायित्व अधीन होगा, जो कि कितना हो सकेगा उस विरोधी पक्षकार पर जुर्माना, तो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का हो सकेगा, अर्थात सी आंसर सही। अगला, यदि कोई व्यक्ति कब्जा वापस दे दिए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात 7 दिनों से अधिक का समय बीत गया है किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, इलीगल तरीके से या अनऑथोराइज तरीके से पजेशन रखे हुए और ऑर्डर हो चुका है, 7 दिन से अधिक बीत चुके हैं, तो उसे कौन अरेस्ट करवाएगा और सिविल कारागार में परिरुद्ध किए जाने के लिए वारंट भेजेगा, तो उपखंड अधिकारी उसे जेल में भेज सकता है। अगला, यदि कोई व्यक्ति कब्जा वापस दे दिए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात 7 दिनों से अधिक काल अवधि सेम कंडीशन है तक किसी भूमि पर अनऑथोराइज कोई पजेशन रखे हुए हैं, तो कब्जा वापस दिए जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में उसे कितने अवधि के लिए सिविल जेल में परिरुद्ध किया जाएगा, तो 15 दिन के लिए पहली बार यदि ऑर्डर हुआ है तब। अगला, अगले में सेम पूरी कहानी वही है, सिर्फ पूछ रहा है द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश, यानी एक बार में भी नहीं माना, वापस जेल से आया फिर से कब्जा रखे हुए, तो द्वितीय आदेश या उसके बाद पश्चातवर्ती का अर्थ है तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में, तो हर बार के लिए आगे के लिए 3 माह की अवधि के लिए जेल में उसे भेजा जाएगा। अगला, निम्न में से किस मामले में MP हाईकोर्ट की जो फुल बेंच थी उसने कहा है कि भूमि स्वामी के लिए खुला है कि भय यानी उसके लिए ओपन ऑप्शन है कि भाई या तो MPLRC की धारा 250 के तहत संक्षिप्त अनुतोष के लिए समरी जो हमारा रिलीफ है उसके लिए कार्रवाई करे, या फिर बिना इसके बिना रिलीफ के सीधे अपने स्वत्व यानी जो टाइटल है उसके लिए और कब्जे यानी पजेशन के लिए टाइटल और पजेशन की घोषणा के लिए सीधे सिविल कोर्ट में जिसको दीवानी न्यायालय भी कहते हैं इसमें दावा लाए यानी सूट फाइल करे, तो यह बताया गया है बी आंसर सही है कि राम गोपाल बनाम चेतु पाटे जो कि AIR 1976 और मध्य प्रदेश में पेज नंबर 160 पर दिया हुआ है। अगला, भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली ना करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, तो डी आंसर सही है, धारा 250B के अंतर्गत अपराध होगा। अगला क्वेश्चन बात है, जबकि तहसीलदार MPLRC की धारा 250B के अधीन भूमि के कब्जाधारी व्यक्ति को यह निर्देश दे कि वह उसे तत्काल खाली कर दे, किंतु वह व्यक्ति निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहा यानी वह खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी, तो सी आंसर है 3 वर्ष तक की अवधि हो सकेगी। और MPLRC की धारा 250B के अधीन जो अपराध हैं वे कॉग्निजेबल होंगे और नॉन वेलेबल होंगे यानी संज्ञेय और अजमानती अपराध। अगला,
सेम वही क्वेश्चन, 250B के अंतर्गत अपराध तो संज्ञेय और अजमानती है। अगला, संहिता के प्रावधान का उल्लंघन होने पर धारा 253 उपधारा 1 में दंडित करने की शक्ति दी गई है तो किसको, तो बी आंसर सही है उपखंड अधिकारी को। अगला, MPLRC 1959 की धारा 253 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए मैक्सिमम जो पेनल्टी है वह कितनी है, तो डी आंसर है ₹50,000 मैक्सिमम पेनल्टी। अगले अध्याय पर आते हैं, अगला अध्याय है 19 जिसका नाम प्रकीर्ण या मिसलिनियस, इसमें मिक्स प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट का पार्ट है। पहला क्वेश्चन, लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 257 का संबंध है, तो सी आंसर सही है रेवेन्यू प्राधिकारियों के आत्यंतिक क्षेत्राधिकार से, यानी एब्सोल्यूट जो रिस्ट्रिक्शन है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्या सिविल कोड द्वारा अधिकार अभिलेख में किए गए इंद्राज यानी एंट्री को वातिल और शून्य किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। कैसे, हाँ ये सिविल न्यायालय को इस बात का ज्यूरिस्डिक्शन है, इस बात की अधिकारिता है, सिविल कोर्ट में जाके हम उस एंट्री को बातिल करा सकते हैं और वॉइड करा सकते हैं। अगला, MPLRC की धारा 257 के अधीन निम्नलिखित मामलों में से किसमें सिविल कोर्ट की क्षेत्र अधिकारिता वर्जित नहीं है, तो किसमें वर्जित नहीं है, ये नहीं शब्द जब भी आए जरूर ध्यान दें, तो डी आंसर सही है खाता विभाजन संबंधी। अगला, तहसीलदार द्वारा भूमि स्वामी की भूमि में MPLRC के अंतर्गत रास्ते अथवा पानी लेने का जो अधिकार है, ये सभी सुखाधिकार होते हैं, ठीक है, तो संबंधित सुखाधिकार का आदेश पारित किया गया किसने, तहसीलदार ने। क्या सिविल कोर्ट की घोषणा अथवा निषेधाज्ञा संबंधी कोई वाद सुनवाई करने की अधिकारिता वर्जित है इसमें, तो सी आंसर सही है कि संहिता की धारा 257 के अंतर्गत यानी 257 के अंतर्गत सिविल कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वह वर्जित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विवाद की सुनवाई की अधिकारिता राजस्व प्राधिकारियों को नहीं होगी, तो सी आंसर सही है स्वत्व का निर्धारण, क्योंकि टाइटल का डिटर्मिनेशन जो होता है कि आखिर ये है किसकी जमीन, ठीक है, तो ये हक निर्धारित करना सिविल कोर्ट का काम होता है, ये राजस्व कोर्ट का काम नहीं होता। अगला, ठीक है, तो ये राजस्व प्राधिकारियों की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, MPLRC की धारा 248 के तहत पारित आदेश को, ठीक है, तो बी आंसर सही है कि सिविल कोर्ट में इस बात की चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, MPLRC 1959 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मामला राजस्व प्राधिकारियों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, तो इनमें से डी वाला इनके अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, कौन सा है देख लें, किसी भी ऐसे अधिकार से जो अधिकार अभिलेख में अवलिखित हो उससे संबंधित कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, कोई भी ऐसा विवाद जिसमें कि राज्य सरकार पक्षकार ना हो, तो वह राजस्व प्राधिकारियों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, बाकी सभी इनके क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, देख लें कौन कौन से। पहला, बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी को अवधारण करते हुए किए गए किसी विनिश्चय को उपांतरित करने का कोई दावा, इस संहिता या तत्समय प्रपत्र कोई अन्य अधिनियम विधि कोई अन्य लॉ है उसके अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित भू राजस्व की कोई रकम है वह भी, और किन्हीं भू अभिलेख यानी लैंड रिकॉर्ड में कोई एंट्री कराने या किसी ऐसी एंट्री का लोप कराने यानी उसे हटाने के लिए या उसे अमेंड करने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा है, तो वह भी इसमें आता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार अभिलेख में अभिलिखित अधिकार से संबंधित विवाद जिसमें राज्य शासन पक्षकार ना हो उसको विनिश्चय करने की अधिकारिता किसको प्रदत्त की गई है, तो उसमें ए आंसर सही है सिविल न्यायालय को इस बात की पावर दी गई है। अगला, MPLRC की कौन सी धारा में कतिपय कार्यवाहियों में सबूत का भार तथा विधि व्यवसाय, विधि व्यवसाय कहते हैं लीगल प्रैक्टिशनर अर्थात एडवोकेट, तो विधि व्यवसायियों का वर्जन उल्लेखित है, तो बी आंसर सही है धारा 257 का अर्थात 257A में। और आखिरी क्वेश्चन है, MPLRC 1959 के उपबंध तो किसको लागू नहीं होंगे, चूँकि ये राज्य के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो बी आंसर सही है किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो कि केंद्र सरकार से भूमि धारण करता है, क्योंकि ये MPLRC जो है यह राज्य के विषय में बात करती है, लेकिन ये सी जरूर देख लीजिए, ठीक है, तो ये गलत होगा यदि सी इस प्रकार से भी आए कि केवल केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू होगी जो केंद्र सरकार से भूमि धारण करता हो, तो ये भी नहीं, ठीक है, तो ये किसको लागू नहीं होगी जो केंद्र सरकार से भूमि धारण करता हो। इसी के साथ आपका MPLRC जो एक्ट है ये फिनिश हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।